टाटा पावर पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है। फर्म अगले 4 से 5 वर्षों में इस क्षेत्र में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लेकर आशावादी है। टाटा पावर के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO प्रवीर सिन्हा ने कहा, टाटा पावर अक्षय ऊर्जा पर बहुत बड़ा काम कर रही है। सिन्हा को विश्वास है कि ये सेक्टर बहुत बड़ा बन जाएगा और अगले 4-5 वर्षों में यह बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाल ही में टाटा पावर को गुजरात ऊर्जा विकास निगम के लिए 60 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ऑर्डर मिला है। टाटा पावर ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कंपनी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL से 26 मार्च 2021 को गुजरात राज्य में 60 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए एक लेटर मिला है। कंपनी ने कहा कि पावर परचेस अग्रीमेंट PPA के तहत GUVNL को ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी जो अगले 25 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में टाटा पावर की परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए सिन्हा ने कहा, हम एक नई ग्रीनफील्ड विनिर्माण क्षमता स्थापित करने पर विचार करेंगे। हमारा EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन पिछले एक साल में काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि फर्म के पास लगभग 9,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर टाटा पावर की परियोजनाओं पर विचार करते हुए सिन्हा ने कहा, रूफटॉप सोलर और सोलर पंप बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इस कारोबार में लगभग हर साल 2 गुना हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास रिन्यूएबल में गतिविधियों की एक बड़ी पाइपलाइन है। उन्होंने कहा, टाटा पावर के सिन्हा को अगले 5 से 7 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि देखने की उम्मीद है। हम इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1200 से 1300 मेगावाट को लागू करने की प्रक्रिया में है। 500 मेगावाट इस क्वार्टर में या अगली क्वार्टर की शुरुआत में आनी चाहिए। फर्म अपने खर्च को 9,000 करोड़ रुपए कम करने में कामयाब रही है और अब 43,000 करोड़ रुपए से 35,000 करोड़ रुपए पर है। सिन्हा ने कहा, तत्काल कार्य हमारी बैलेंस शीट को अच्छी तरह से मैनेज करना और इसे हेल्थियर बनाना था ताकि हमारे पास अपने विकास के लिए पर्याप्त धन हो। टाटा पावर के CEO ने कहा कि कैपिटल रेजिंग के मुद्दे पर अभी भी चर्चा की जा रही है। हमें ऐसे समाधान के साथ आने की जरूरत है जो हमारे शेयर धारक को मूल्य प्रदान करे और लंबे समय तक टिकाऊ भी हो, इसलिए इस स्तर पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।